सब्सक्राइब कीजिए वेल्थ गुरु जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ गुरु जी में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट के 6 ऐसे नियम के बारे में जिससे आप अपने जिंदगी में अगर उपयोग करेंगे, अगर हम अपने लाइफ में उन चीजों को यूज करते हैं तो वाकई में काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं। और वॉरेन बफेट जी ने ये 6 टॉपिक बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलर है, इन्होंने इन जो 6 टॉपिक पे जो अपने आइडियाज को बताया है और रियल में इसे यूज करके काफी लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो पहला जो टॉपिक है ऑन अर्निंग, कमाने के बारे में वॉरेन बफेट जी का क्या सुझाव है। तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हमेशा आप अपने जो भी इनकम है उसको पैसों को इन्वेस्ट करो कहीं भी। ऐसा नहीं कि उनका कहना सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही है, कि आप हमेशा सेकंड इनकम भी क्रिएट करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक इनकम है, अगर आप जॉब भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक इनकम है तो उसके ऊपर ही डिपेंड हो जाए। आपको सेकंड इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा और सेकंड इनकम जनरेट करना पड़ेगा। अगर कल को अगर आपका बॉस अगर आपको जॉब से निकाल देता है तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन क्या है। तो हमेशा अपने सेकंड ऑप्शन को क्रिएट करके रखो। अगर आप बिजनेसमैन भी हो तो अपने बिजनेस को भी एक्सपांड करो और थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाओ कि और भी आपके पास बिजनेसेस हो। और वॉरेन बफेट जी का पैसे को खर्च करने के बारे में क्या है, क्या कहते हैं। अगर वॉरेन बफेट जी कहते हैं अगर आप अपने पैसे को ऐसे ही खर्च कर दोगे जैसे किसी भी चीज़ में विदाउट प्लानिंग आप अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हो, जैसे मार्केट में कोई भी नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं और आप बार बार उसको बाय कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो, EMI सिस्टम ज़्यादा ज़्यादा यूज करके आप चीज़ों को बाय कर रहे हो, तो एक दिन समय ऐसा आ सकता है कि जब जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हैं, जो जिससे आप सबसे ज़्यादा सोचते हो कि मेरे पास रहें, वो भी चीज़ आपको बेचनी पड़ सकती है। तो इसलिए बिना वजह अपने पैसों को खर्च मत करो कोई भी नया आइटम अगर मार्केट में आ रहा है। सो और वॉरेन बफेट जी सेविंग को लेकर क्या कहते हैं। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर आप अपने पैसों को सेव कैसे करते हैं, देखिए लोग क्या करते हैं पैसों को खर्च करने के बाद सेव करते हैं, लेकिन आपको पैसों को सेव इस तरीके से करना है, पहले आपको अपने पैसों को बचा लेना है और बचाने के बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करेंगे तो आपका सेविंग ऑटोमेटिक रहेगा। लेकिन आप सोचेंगे पहले खर्च कर लूँ फिर बचा लूँ तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप पहले अपने पैसों को बचाने की कोशिश कीजिए, बचने के बाद आप अपने पैसों को खर्च कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि रिस्क के ऊपर वॉरेन बफेट जी काफ़ी अच्छा कहते हैं। और अक्सर स्टॉक मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं वो लोग हमेशा रिस्क लेते हैं, कि काफ़ी सारे स्टॉक को लेके ये बुलिश रहते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा ही, क्या गारंटी है। तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको रिस्क को नापना है तो कोई नदी है उसमें आप दोनों पैर को साथ में लेके कूद जाओ। आप धीरे धीरे उसको ट्रैक करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि कोई नदी है उसमें आपने उतर गए और फिर सोच रहे कि गहराई कितनी है ये मैं नाप लूँ, तब तो आप डूब ही जाओगे, क्योंकि आप दोनों पैर से क्यों उतर रहे हो। एक पैर से अगर आप ट्राई करते हो शायद आप बच सकते थे। तो आपको पूरी तरह से अपने आप को नुकसान नहीं डाल लेना है। और इन्वेस्टमेंट पे वॉरेन बफेट जी क्या कहते हैं कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपके सारे पैसों को एक ही स्टॉक में मत लगाओ। आप कितने भी ज़्यादा बुलिश हो उस स्टॉक को लेके, कितना ज़्यादा आपको लगता हो ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्या पता अगर वो स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ और आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम भी नहीं मिला, आपको इतना ज़्यादा लॉस हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही चीज़ आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। आप सारे पैसे को अपने एक ही बिजनेस में लगा दे रहे हो, लेकिन लगाना सही है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमेशा प्लानिंग के साथ में उस चीज़ को करो। और एक्सपेक्टेशन, लोग क्या करते हैं ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा किसी से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ईमानदारी बहुत महंगी चीज़ है, इसको आप किसी से भी उम्मीद मत रखो। हमेशा लोगों पर बिलीव करने से पहले बार सोचो और अपना खुद का माइंड यूज करो, क्योंकि आपको कोई सही सलाह दे सकता है उससे अच्छा आप खुद से डिसीजन लोगे, ज़्यादा अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। और ईमानदारी एक महंगी चीज़ है, आप किसी से भी एसेट उसको मत करो, ऐसा वॉरेन बफेट जी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर बताना। और वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक की व्हाट्सएप के जरिए उनको शेयर कीजिए, उनको इस चीज़ के बारे में पता लगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।